ओम प्रणाम। आइए इस वीडियो में जानेंगे चेचो, बड़ी माता, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, छोटी माता, खसरा फैलते समय बच्चों को बचाने के लिए हम क्या क्या चमत्कारिक परीक्षित उपाय अपनाएं, इन संबंध में इस वीडियो में बोल रहा हूँ। चेचक बाहर आने से पहले बुखार की स्थिति में बच्चों को अपामार, जिसको अपामार भी बोलते हैं, इसके जड़ और हल्दी समान मात्रा में पीसकर बच्चे के सभी 20 नाखूनों पर यदि हम लगाते हैं और थोड़ा जीभ में लगाते हैं, थोड़ा माथे पर तिलक लगा देते हैं, इससे सिर्फ एक बार करने से ही चेचक कभी भी नहीं निकलेगी। बहुत परीक्षित है अथवा 12 साल से कम उम्र वाले बच्चों को यदि लगातार 14-15 दिन तक घोड़ी का दूध पिलाते हैं, इससे भी चेचक, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स कभी भी नहीं होता है। अथवा जिन दिनों चेचक फैल रही हो, नारियल ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। नारियल खाने से चेचक नहीं निकलती है। यदि दूध पीने वाला शिशु है जो नारियल नहीं खा सकता है, उसे दूध पिलाने वाली माता नित्य लगभग 50 ग्राम नारियल हर रोज खाएं। यदि बालक बड़ा हो तो बालक को नारियल खाने के लिए दें, इससे चेचक नहीं निकलेगी। अथवा यदि चेचक फैली हुई हो तो बासा का एक पत्ता, जिसको बासा बोलते हैं, उसका एक पत्ता ले और मुलेठी लगभग 3 ग्राम अर्थात आधा चम्मच दोनों को उबाल के 400 ग्राम पानी में उबाले, जब एक चौथा शेष रहेगा छान कर पिलाने से चेचक का भय नहीं रहता है। अथवा बड़ी माता, स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स, खसरा, छोटी माता आसपास फैलते समय प्रतिदिन सुबह के समय तुलसी के पत्ते के 5 बूंद रस एक चम्मच पानी में मिलाकर यदि हम बच्चों को पिलाते हैं या बड़े भी लेते हैं, इससे भी चेचक के प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहु परीक्षित है, आप किसी एक प्रयोग करें, सभी परीक्षित हैं। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यदि मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। सभी को ओम नमस्कार प्रणाम।